तारिक भाई आज आप काफी खुश होंगे, आपकी टीम ने बहुत ही कमबैक किया है। पहले दो मैच हार गए और इसके बाद तीन मैच हारे, तो क्या आपने कोई दम पड़ा है या कोई उनने पैशन पैदा किया है जिसकी वजह से आप तीनों मैच जीत चुके हैं? जी, जिस तरह के हम पहले दो मैच हार गए थे तो उसके बाद लड़के को चेंज की हमने, और उसके बाद कुछ बॉलर्स में तब्दीली की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लड़कों को जिम्मेदारी जो दी थी वो जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं। हमारे सीनियर प्लेयर हमारी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, जैसे वजाहत भाई हैं, नवाजिश भाई हैं, हमारी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं और रहनमाई भी अच्छी कर रहे हैं। यही वजह टीम कॉम्बिनेशन का ही नतीजा होता है। शाहिद है फुलरवान से और अरशद भाई हैं जिन्होंने अपने क्लब के लड़के हमारे इसमें टीम में एंटर किए, इस वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। तारिक भाई, मैं तो आपको सबसे ज्यादा सीनियर समझता था, आपके टीम में आपसे भी ज्यादा कोई सीनियर है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली होती है, अच्छी क्रिकेट खेली होती है, वो सीनियर ही होता है। राजेश भाई ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, बजाज भाई ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, तो ये सीनियर ही बनते हैं ना जी मैचेस के हिसाब से। अच्छा, कोल्डी अनफिट है अभी आपके, तो इनको अनफिट ही रहने दें लगता है, जब से ये खेल नहीं रहे तो टीम आपकी मैच जीती जा रही है लगता है। बाहर बैठ के कुछ लोग आपको बैकअप कर रहे हैं टीम को। टीम को गोल्डी एक अच्छा प्लेयर है, इंशाल्लाह ताला रन भी करेगा, तो ना उसमें चांसेस हैं, उसके आज भी उसमें बैटिंग करनी थी, तो बस बदकिस्मती से गोल्डी की बदकिस्मती से ऊपर से ही नजर मुकम्मल होगी, गोल्डी की बारी नहीं आ सकी। चलिए ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, कंग्रेचुलेशन तारिक भाई। थैंक यू थैंक यू।